मूवी स्टार्ट होती है और हमें बॉक्सन दिखाई गई है। ये एक बाजार में सब्जियां सेल करती है। बॉक्सन जरा स्टूपिड होती है और भोली भी होती है। एबनॉर्मल की तरह ही ये कैरेक्टर हमें दिखाया गया है। इसे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। ये जब छोटी थी तब इसकी मदर ने इसे गिरा दिया था, इसकी वजह से ऐसी हो गई है। इसकी ग्रैंड मदर थी पर यह भी इसको छोड़कर चली गई है। इसकी ग्रैंड मदर हमें हेवन से बातें करते हुए दिखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वरी करती हूँ। बॉक्सन सब्जियां सेल करती है और अपनी जो लिटिल सिस्टर है इसके एजुकेशन के लिए पैसे वगैरह इकट्ठा करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें इकसांग दिखाया गया है। वो एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ मीटिंग के लिए आया हुआ होता है। ये जो बिजनेसमैन होता है ये उसे कहता है कि मुझे एक ट्रिबल हो चुका है। मेरी जो फैक्ट्री थी वहाँ एक वर्कर काम करती थी। फैक्ट्री में उसे कम पैसे मिल रहे थे इसीलिए उसने स्ट्राइक की, बहुत सारे लोगों को भड़काया। मैं उसे समझा रहा था पर वो मान नहीं रही थी तो जरा झापड़ मैंने उसे मार दिया। उसने रिकॉर्ड कर लिया था, अब ये रिकॉर्डिंग मुझे दिखा कर ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। 300,000 डॉलर से मांग रही होती है। इकसांग जो होता है इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती। इसकी वाइफ को एक बार में काम करना पड़ रहा होता है। इसे 300,000 डॉलर सुनकर बहुत ही अलग लगता है। बिजनेसमैन फिर इकसांग को कहता है ये जो पैसे है ये उस लड़की को जाकर देकर आओ, मैं इन पैसों को लेकर किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। इकसांग भी इस काम के लिए रेडी हो जाता है पर इस पैसों से अपने जो लोन उसने लिए होते हैं ये वो पे कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से बॉक्सू उसके बाजार में दिखाई गई है। जिस स्पॉट पे सब्जियां सेल करती है ये स्पॉट किसी और का है। जिसका यह स्पॉट है इसने कुछ आदमी भेजे होते हैं ये स्पॉट खाली करवाने के लिए। ये वहां से जा नहीं रही होती है। ये सबको कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ का था, ये मुझे मरने से पहले देखकर गई थी, मैं नहीं छोड़ सकती। ये अपना स्पॉट नहीं छोड़ रही होती तो एक आदमी इसे उठाता है और बाहर बैठता है। ये भागते भागते आती एक सब्जी लेती है और इसके सर पर फोड़ देती है। जब शाम हो जाती है तो उसकी छोटी सिस्टर स्कूल से आ रही होती है और ये दोनों हिल पर मिलती है। उसकी छोटी सिस्टर उसे मलम पट्टी करती है और समझाती है कि ये हमारा स्पॉट नहीं है, ये जो लैंड है ये एक्चुअल में दूसरा कोई ओन करता है, तुम्हें इनके पीछे नहीं लगना चाहिए। पर बॉक्सन में पता है कि ये स्टूपिड है तो इसे ये समझ में नहीं आता। अपना जो लॉजिक होता है ये ग्रैंड मदर ने मुझे ये लैंड दी है इसी पे वो अड़ी रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम दिखता है इकसांग अपने ब्रदर टीसू को कॉल करता है। टीसू कहता है कि बहुत समय बाद तूने मुझे कॉल किया है। इकसांग उसे एक बार में बुला रहा होता है। ये दोनों फिर वहां मिलते हैं। इकसांग टीसू से कहता है कि एक लड़की है जो हमें ब्लैकमेल कर रही थी, इसे तुम्हें मारना है, ये जॉब उसे देना चाहता है। टीसू कहता है कि 5 साल गुजर चुके हैं, तुमने अपना फोन वगैरह सब कुछ बदल दिया था और अचानक तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हो। इकसांग कहता है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, जाने दो ये काम तुम मत करो। जिस बारे में वो बैठे हुए होते हैं यहाँ कुछ कस्टमर होते हैं जो बहुत ही लाउड होते हैं। इकसांग को इससे तकलीफ हो रही होती है तो बहुत ही जोर से टीसू कहता है कि कौन बास्टर्ड है जो इतनी जोर से बात कर रहे हैं। जो आदमी जोर से बात कर रहा होता है वो अब यहाँ आ जाता है। वो टीसू के ऊपर हाथ रखता है तो टीसू उस पर बहुत ही चिढ़ जाता है, चॉपस्टिक्स लेता है और इसके गले में डालकर इसका मर्डर कर देता है। इस आदमी के साथ जो भी सब लड़कियां होती है इनको भी वो मार देता है। जैसे कुछ भी नहीं हुआ इस तरह से अपने ब्रदर से वो बात करने लग जाता है। कहता है कि मदर कैसी है। अपने मदर के लिए इकसांग को कुछ पैसे वो देता है, मदर के विटामिन के लिए ये पैसे उसे देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन कैरेक्टर नानी दिखाई गई है। नानी के घर पर उसकी लैंडलॉर्ड आती है, वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। नानी और उसके सिस्टर ने बहुत दिनों से अपना रेंट पे नहीं किया है। ये लॉन्डर उसे कहती है कि अगर तुमने पे नहीं किया तो मैं तुम दोनों के घर से बाहर निकाल दूंगी। नानी कहती है कि मेरी सिस्टर अब घर पर नहीं है, थोड़ी देर बाद उसे आने के लिए कहती है। जब ये घर में आती है तो उसकी सिस्टर वही होती है। अंदर जाकर अपनी सिस्टर को ये सब वो बता देती है। सिस्टर उससे पूछती है कि तुम्हारी 3 विशेष क्या है मुझे बताओ। नानी कहती है कि मुझे अपना डॉग चाहिए और एक अपने घर में तुम्हारे साथ मुझे रहना है। नानी की सिस्टर बोलती है कि ये सब सच हो सकता है। एक्चुअल में ये जो सिस्टर है यही बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर रही थी। अब बिजनेसमैन 300,000 डॉलर्स इसे देने वाला है तो इसे वो घर वगैरह बाय कर सकती है। अब थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है और इस बार यह टीसू होता है। टीसू से बोलता है कि तुमने जिस फोन से रिकॉर्ड किया था वो फोन मुझे चाहिए। नानी की सिस्टर कहती है कि पहले तुम मुझे पैसे दो। ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये दरवाजा बंद करने वाली होती है, टीसू से कहता है अगर तुमने ये दरवाजा बंद कर दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पहले भी बिजनेसमैन ने कुछ आदमियों को भेजकर इसे डराने की कोशिश की थी पर यह डरी नहीं थी। इस बार भी उसे वैसे ही लगता है और डोर बंद कर लेता है। टीसू बहुत ही फिट और इंटेलिजेंट होता है, ये दीवार कूदकर अंदर आ जाता है। नानी अंदर के रूम में बर्तन मांज रही होती है तभी इसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये जब दरवाजा खोलती है तो टीसू उसके सामने होता है। इसकी सिस्टर को उसने मार दिया है, उसकी डेड बॉडी इसे दिखती है। ये सीन खत्म हो जाता है। रात में टीसू ड्राइव कर रहा है ये हमें दिखता है। उसके ब्रदर का कॉल आया हुआ होता है। ये अपने ब्रदर को पूछता है ये जो सब पैसे थे इसका तुमने क्या किया था।
अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ब्रदर उसको समझाता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। किशु कहता है कि तुम्हारी वजह से सब मैस हो चुकी है। ये फिर घर आता है, नानी को भी घर लेकर आता है, एक वाइन की बोतल निकालता है और उसे ग्लास में भरता है। वो कहता है कि अब हम एक गेम खेलेंगे, जब तक मैं बोतल खत्म नहीं कर देता तब तक मैं यही रुकूंगा और तुम यहाँ से भागोगे। अगर तुमने किसी से हेल्प ली तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। तुम अगर छुप गई और मैं अगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो तुम बच जाओगी। ये फिर ग्लास पूर करता है और नानी भागने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से बॉक्सुन और उसकी सिस्टर दिखाई गई है। बॉक्सुन आज बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसका स्पॉट अब जाने वाला है। बॉक्सुन की सिस्टर से कहती है कि अब मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ, हायर एजुकेशन के लिए मैं सियोल में जाऊंगी, वहां मैं अच्छे से डिग्री लूंगी और हम दोनों अच्छे से रह सकेंगे। हम पुअर है इसलिए हमें सब तकलीफ देते हैं, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगी और हम रिच हो जाएंगे। बॉक्सुन कहती कि तुम चली जाओगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, फ्लोर स्वीप करूंगी, खाना पकाऊंगी, कुछ भी करूंगी पर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसकी सिस्टर कहती है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर बॉक्सुन सुन ही नहीं रही होती है। इस पर इन दोनों में एक हेल्दी फाइट हो जाती है। ये दोनों फिर हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। भागते भागते नानी इनके घर आ जाती है। इसे ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है, पर ये कुछ भी बोल नहीं रही होती है। इसे ये डिनर देते हैं। बाद में नानी कहती कि इसकी सिस्टर है, अब इसे ढूंढने वाली होती है। रात में नानी इनके साथ ही सोती है। नेक्स्ट दिन जब सुबह होती है तो बॉक्सुन की सिस्टर नानी को सिटी में लेकर जाने वाली होती है। ये सब जाने के लिए निकलते हैं पर बॉक्सुन की सिस्टर अपना जिम का क्लॉथ भूल जाती है। वो बॉक्सुन को घर जाने के लिए बोलती है और फटाक से उसे लाने के लिए कहती है। जब वे रास्ते से जा रहे होते हैं बहुत ज्यादा फॉग हुआ होता है। इस फॉग में ही नानी को टीसुन दिखता है, यह फिर भागने लग जाती है। बॉक्सुन की सिस्टर नानी को डिफेंड करती है इसीलिए टीसुन उसका गला दबाता है। बॉक्सुन जब जिम के कपड़े लेकर आती है तब देखती है कि वहां कोई भी नहीं है। उसे जंगल में से आवाज आती है, वह भागते भागते जाती है। टीसुन उसके सिस्टर को मारने वाला होता है तब एक पत्थर लेती है उसे सर में डाल देती है। अपनी सिस्टर को लेकर भागते भागते एक फील्ड में आ जाती है, वह उसे नीचे रख देती है और कहती है कि अभी मैं हेल्प लेकर आती हूँ। वो पुलिस को कॉल लगाने वाली होती है। बॉक्सुन को लगता है कि टीसुन मर चुका है। जो पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है और वापस आती है तो उसकी सिस्टर वहां नहीं होती। टीसुन ने उसकी सिस्टर को ढूंढ लिया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इक्सांग एक गैंगस्टर के पास आया हुआ होता है, उसे एक आदमी चाहिए होता है। इक्सांग अपने ब्रदर टीसु को बहुत ही हेट करता है और उसे मारना है, इसकी सुपारी देने के लिए इस गैंगस्टर के पास आया हुआ होता है। ये गैंगस्टर फिर एक आदमी उसे देता है, कहता है कि इसे उसके घर लेकर जाओ, ये उसे मार देगा। बॉक्सुन के बाहर भी पुलिस आती है। वो बहुत ही रो रही होती है कि उसकी सिस्टर उसे मिल नहीं रही। वो जब सिचुएशन थी ये सब उसे बताती है। ये स्टूपिड लगती है तो पुलिस इस पर बिलीव नहीं करती। ये बोलने बोलने में ये भी कहती है कि उन दोनों की फाइट हो चुकी थी। पुलिस उसे कहती है जनरली ऐसा ही होता है कि फाइट होने पर ये खुद ही चले जाते हैं, तुम्हारी सिस्टर भी खुद से ही चली गई होगी। इस पर बिलीव ना करते हुए वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि बॉक्सुन एक ओल्ड लेडी के पास आई हुई है। बॉक्सुन को लगता है कि इसमें जरा पावर है और उसकी सिस्टर कहाँ है इसकी लोकेशन उसे बता सकती है। ये लेडी फिर एक जगह पर पॉइंट करती है, ये वुड्स में से घूमती है पर इसकी सिस्टर उसे कहीं भी नहीं मिलती। रात में इसे सपना आता है, इसमें इसकी सिस्टर उसे बता रही है कि वो मर चुकी है। नानी फिर घर आ जाती है। बॉक्सुन उसे पूछती है मेरी सिस्टर कहाँ है, ये आदमी कौन था जो तुम्हें मारना चाहता था। उसकी सिस्टर उसे मिल नहीं रही तो बॉक्सुन रोने लग जाती है। ये लड़की फिर कहती है कि मेरी भी सिस्टर को इसने मार दिया है, ये उसके घर पर मुझे लेकर गया था, मैं वहां से भाग कर यहाँ आई थी। बॉक्सुन कहती कि मुझे उसके घर लेकर चलो। बॉक्सुन उस ओल्ड लेडी के पास आती है, उससे पॉइजन लेती है। इस ओल्ड लेडी ने अपने पति को इस पॉइजन से मार दिया होता है। बॉक्सुन फिर चाकू से प्रैक्टिस करती है कि टीसुन को कैसे मार सकती है। ये दोनों वुड्स में जाते हैं और नानी को कुछ लोकेशन समझ में नहीं आ रही होती है। बॉक्सुन उस पर चिढ़ जाती है, उसे बहुत मारती है। थोड़ी देर बाद इसे ही बुरा लगने लग जाता है, कहती है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। नानी भी रोने लग जाती है और एक दूसरे को हक करती है। ये फिर थोड़ी देर बाद टीसु का घर होता है, ये ढूंढ लेते हैं। नारी घर के बाहर ही बैठती है। टीसु अगर आ गया तो इसकी खबर देने का काम वो करने वाली होती है। बॉक्सुन फिर बेसमेंट में आती है। यहाँ बहुत सारे माटी के पॉट्स बनाए हुए होते हैं। एक्चुअल में टीसु जब किसी को मार देता है तब उसको जलाकर उसकी एशेज से ये माटी के पॉट्स बना देता है। बॉक्सुन की सिस्टर के साथ भी इसने यही किया होता है। यहाँ बहुत सारे पॉट्स हमें दिखते हैं और इस पॉट्स के पास नाम होते हैं, यानी इन सब लोग को इसने मार दिया है। बॉक्सुन की सिस्टर का पॉट भी यहाँ वो दिखती है। जब वे बेसमेंट में होती है तभी टीसुन आ जाता है। नारी फिर खिड़की से आवाज लगाती है। बॉक्सुन ने जो पॉइजन लाया होता है ये टीसुन के पानी में मिला देती है और घर में ही छुप जाती है। टीसु घर में आता है, थोड़ी आवाज उसे सुनाई देती है। खिड़की से देखता है तो नारी को स्पॉट कर लेता है। नारी भागती है, जंगल में छुप जाती है,
पर उसे पकड़ ही लेता है। वो उसे घर लेकर आता है और बर्नर में रख देता है। उसे वो जलाने वाला आता है। नारी कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, जो फोन तुम्हें चाहिए इसकी लोकेशन मुझे पता है। नारी और टीसुंग फिर दोनों गाड़ी में बैठते हैं। नारी एक पेपर पर लोकेशन लिखती है और बॉक्सुन के लिए पीछे छोड़कर जाती है। बॉक्सुन को भी लोकेशन मिल जाती है। टीसुंग और नारी दोनों स्टेशन पर आते हैं। वहां से जो फोन होता है एक लॉकर से वो निकाल लेते हैं। वहां पे बॉक्सुन आ जाती है। इसके जो सब पैसे होते हैं ये टैक्सी वाला ले लेता है। टीसुंग नानी को ले जा रहा है, ये बॉक्सुन को दिखता है। टीसुंग ने अपने ब्रदर को भी यहाँ बुलाया होता है। टीसुंग को अपने ब्रदर के साथ अब लंच करना होता है। उसका ब्रदर उससे फोन ले लेता है और कहता है कि आज मैं नहीं कर सकता, आज जरा मुझे एक्स्ट्रा काम है। टीसुंग उसे बहुत ही इंसिस्ट करता है, फिर उसे मना कर देता है। टीसुंग बहुत ही चिढ़ जाता है और उसकी कार का कांच जो होता है वो फोड़ देता है। ये दोनों ब्रदर्स अब जब फाइट कर रहे हैं तो नानी वहां से भाग जाती है और बॉक्सुन के पास आ जाती है। बॉक्सुन और ये दोनों भागने लग जाते हैं। टीसुंग भी इसके पीछे भागता है। ये कुछ सोल्जर से हेल्प मांगते हैं पर टीसुंग इन सबको मार देता है। इक्सान के पास जो मोबाइल है इसे वो डाटा निकालता है और ये देखता है कि इस मोबाइल पर क्या है। इस मोबाइल में जो बिजनेसमैन था इसने नारी को सिस्टर को बहुत मारा था इसकी वीडियो होती है। ये फिर बिजनेसमैन को कॉल लगाता है, ये इसे भी ब्लैकमेल करने वाला होता है। टीसू से नारी और बॉक्सुन ये दोनों पीछा छुड़वाती है और अब स्ट्रीट पर होती है। इन्हें बहुत ही भूख लगी होती है पर इनके पास पैसे नहीं होते। भूख लगकर इक्सुन बैठ जाती है, वो कहती है कि अब मैं नहीं चल सकती। नारी फिर कहती है कि यही रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नारी फिर आगे जाती है, एक होटल से एक पॉट चुराती है और बॉक्सुन के पास आ जाती है। बॉक्सुन उसे कहीं भी नहीं मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाती तो ये बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे को ढूंढ लेती है। ये कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी। एक दूसरे को हक करती है और रोने लग जाती है। फिर से कभी भी ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे से वादा करती है। इक्सांग फिर टीसू को कॉल लगाता है, उसे कहता है कि खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाओ। खाना खाने के बाद बॉक्सुन और नारी फिर से स्ट्रीट से चल रहे होते हैं। वे उसे फिर से टीसुन दिखता है पर इस बार ये पुलिस स्टेशन के पास ही होते हैं। ये पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं। बॉक्सुन टॉयलेट के लिए जाती है तभी नारी को टीसुन लेकर जाता है, ये उसका अंकल है ऐसा कहकर पुलिस को चला गया होता है। बॉक्सुन वहां आती है तो इंक्वायरी करती है कि नारी कहाँ है। पुलिस ऑफिसर इसे पता दे देता है, उसे कहता है कि यहाँ तुम्हें जाना है, यहाँ तुम्हारी सिस्टर है। इसके बाद टीसुन अपने मदर के रेस्टोरेंट में आ चुका है। टीसू की मदर को भी पता होता है कि अब इसे सब लोग मार देने वाले हैं। टीसू की मदर उसे कहती है कि तुम जब छोटे थे तब तुम्हें हमारे डोर पर कोई छोड़कर चला गया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हें नहीं रख सकती पर मैंने बहुत ही जिद की थी। मुझे सब मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि गलत है, इस बच्चे को रखना सही नहीं है, पर मैं मेरी जिद पर अड़ी रही थी। पर मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसे निकलोगे। ये सीरियल किलर है तो इसकी मदर भी इसे हेट करती है। वो टीसू को कहती है कि तुम अजीब हो, इसी वजह से तुम्हारी मदर भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी। टीसू के पीछे जो गैंगस्टर होते वो बैठे हुए होते और वो कुछ आवाज नहीं कर रहे होते। टीसू ये नोटिस करता है, मदर से कहता है इतने शांति से कैसे खाना खा सकते हैं। ये फिर उठता है और एक गैंगस्टर उसे मारने वाले होते पर यही सब लोगों को मार देता है। टीसू की मदर एक सेकंड में अपनी टोन चेंज कर लेती है। वो कहती है कि टीसू बहुत ही अच्छा है, अपनी फैमिली का बहुत ही ख्याल रखता है। टीसू हंसने लग जाता है कि उसने अभी इसे फिर से माफ कर दिया है। जिस गैंगस्टर को टीसू ने अभी मारा था इसमें से एक जिंदा है। वो एक बड़ी सी बॉटल लेता है और टीसू को इससे बहुत मारता है। टीसू की बॉडी को वो फिर उसके ट्रंक में डाल देता है। गाड़ी में नारी को टीसू ने रखा हुआ होता है। टीसू की मदर फिर नारी को अंदर लेकर आती है, उसे कुछ खाने के लिए देती है। बॉक्सुन के पास पैसे नहीं होते फिर वो टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी वाले को समझ जाता है इसके पास पैसे नहीं है, इसे टैक्सी से बाहर निकल रहा होता है पर यह सुनती नहीं। ये कहती है कि मुझे नारी को बचाना है। इक्सांग अब नारी को लेकर जाने वाला होता है पर उसकी मदर कहती है कि इसे मत लेकर जाओ। नारी उसे बहुत ही क्यूट लगती है और कहती है कि मेरे साथ रह सकती है। इक्सान मान नहीं रहा होता। इनमें थोड़ी सी फाइट हो रही होती है तभी टीसू आ जाता है। जो गैंगस्टर जिंदा था उसे वो मार देता है। ये सब उससे बहुत ही डर जाते हैं। ये उसे कहती है कि स्माइल कर दो। इन्हें लगता है कि टीसू अब इन्हें फिर से माफ कर देगा पर इस बार ऐसा नहीं होता, ये इन दोनों को मार देता है। बॉक्सुन टैक्सी से भागते भागते इस रेस्टोरेंट में आ जाती है। टीसू का ध्यान नहीं होता तो बॉक्सुन एक बड़ी सी नाइफ लेती है और उसके पेट में डाल देती है। टीसू नारी को मारने वाला था, उसका गला घोट रहा था तो नारी अब उठ नहीं रही। बॉक्सुन नारी के पास आ जाती है, उसे लगता है कि मर गई है और वह रोने लग जाती है। टीसू फिर अपने पेट से चाकू निकालता है और उठ जाता है। इन दोनों में फाइट होती है। बॉक्सुन अब बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई होती है, एक चेयर से टीसू के सर पर डालती है। टीसू जब गिर जाता है तो गला घोट कर उसे मार देती है। जब फिर से नारी के पास आती है उसे गले लगाती है। नारी को फिर होश आ जाता है, बॉक्सुन रोने लग जाती है। ये फिर एक दोनों को हक करते हैं। नारी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। वहां फिर वो बिजनेसमैन आता है, जो फोन उसे चाहिए था ये फोन उसे दे देते हैं।
इस इशू को वो ज्यादा बढ़ाने नहीं चाहते। अब नारी स्कूल में जाती है और बॉक्सन फिर से अपना काम करती है। नारी जब स्कूल से वापस आती है तो बॉक्सन के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। बॉक्सन कहती है कि एक आदमी ने मुझे दिए हैं, ये बहुत सारे पैसे होते हैं, तो इनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये भी अब सॉल्व हो चुकी है। यही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।